हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआर गुरुकुल। ऑटोकैड के जिस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग यूनिट्स को कैसे सेट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास से स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए तो मैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स। यूनिट्स होता क्या है? यूनिट्स एक मेजरमेंट सिस्टम है। बेसिकली इसके दो टाइप्स हैं, पहला इंफेरिकल यूनिट्स और दूसरा मैट्रिक्स यूनिट। इंफेरिकल यूनिट्स क्या होते हैं? ये ब्रिटिश यूनिट है। इस वक्त ब्रिटेन में जो यूनिट्स यूज की जा रही है उसे हम लोग ब्रिटिश यूनिट कहते हैं और इंफेरिकल यूनिट्स उसे ही रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हम लोग यार्ड्स, फीट या फिर इंचेस का यूज करते हैं। और एक इसके बाद में बस दूसरा है मैट्रिक यूनिट। मैट्रिक यूनिट में क्या होता है? इसके अंदर हम लोग एसआई यूनिट या फिर एमके सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह के यूनिट्स का यूज किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि अपने इस ऑटोकैड के जो अभी हमारे पास जो स्क्रीन खुला हुआ है उसके ऊपर हम लोग यूनिट्स को कैसे सेट करते हैं। तो यूनिट को सेट करना बहुत आसान है। अभी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक कमांड लाइन यहाँ दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर आकर अगर आप यू एन टाइप करते हैं या फिर आप पूरे यूनिट को भी यू एन आई टी टाइप करते हैं तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ देखिए हमें टॉप में यूनिट मिला। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें लेंथ, एंगल, इंसेक्शन स्केल और लाइटिंग का हमें ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम इन सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लेंथ है, हम किस यूनिट में अपने लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला टाइप है डेसिमल का। अगर आप इसे बदलकर आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, फ्रिक्शनल और साइंटिफिक भी कर सकते हो। फिर उसके अलावा बस एंगल का यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग डेसिमल डिग्री, डिग्री, मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड्स में, रेडियंस में और सर्विस यूनिट में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये है लाइटिंग, जिसके अंदर हमें अमेरिकन और इंटरनेशनल ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ देखिए डायमेंशन की, जब यहाँ पे डेसिमल के ऊपर जब यहाँ पे सिलेक्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऑप्शंस क्या क्या मिल रहे हैं। इंचेस, फीट, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारे हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। साइंटिफिक में करूं ये सब में मुझे सेम ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रिसीजन चेंज होते हुए दिख रहे हैं। हम कितना प्रिसीजन तक अपने यूनिट्स को यूज करना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग आर्किटेक्चर के ऊपर काम करने वाले हैं और हम प्रिसीजन 0-0 रखने वाले हैं, क्योंकि हम इससे ज्यादा यूनिट्स का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बस केवल इतनी ही प्रिसीजन का यूज करेंगे, इससे हम आगे इस सारे प्रिसीजन का यूज नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं डेसिमल की, इसमें हम कितने प्रिसीजन जाना चाहते हैं, 0 तक या 0.0 तक या फिर 0.00 तक, तो ये सब आपको खुद सेट करना है कि आप कितने प्रिसीजन तक आप यूज करना चाहते हो। बेसिकली हम लोग तो आर्किटेक्चर के ऊपर काम करने वाले हैं और हम 0-0 के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे डेसिमल एंगल्स है, हम इसके ऊपर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसे हम वैसे ही रहने देंगे। और जब हम ये सेट कर लिए तो हम इसे ओके कर देंगे। यहाँ पे ये हमसे एक कंफर्म बॉक्स ला के दिया है, मुझे कह रहा है कि आप श्योर हैं अपडेट करने के लिए, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ कि हाँ मैं श्योर हूँ। लेकिन अगर आप यूनिट्स से यहाँ से नहीं ओपन करना चाहते, या मान लो किसी कारण से आप कमांड लाइन आपको यहाँ मिल ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है, तो भी आप यूनिट्स को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एरो डाउन एरो की आपको प्रेस करना है। डाउन एरो पे जब आप प्रेस करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, शो मेन्यू बार। आप मेन्यू बार को ओपन कर दो, आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे आना है इस डाउन एरो पे। इसके बाद आपको यहाँ शो मेन्यू बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब मैंने एक्टिव कर दिया तो मुझे यहाँ पे हाइड मेन्यू बार का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए वो मेन्यू बार हाइड हो गया। मैं वापस इसे शो कर लेता हूँ। इसके बाद आपको आना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ पे यूनिट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यूनिट्स के ऊपर क्लिक करोगे आपको सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने किस तरह से यूनिट्स को सेट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।